बीकॉम पार्ट टू स्पेशलाइज अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर दीर्घोत्तरी है, वन के ए है। आप लोग देखे होंगे वीडियो, उसमें वन के बी बताए हुए थे और इसमें अभी ए बच गया हुआ था, तो वन के ए इस वीडियो में बताएंगे। और एक और क्वेश्चन, वन के ए हो गया, अभी ए बताएंगे, और फिर टू के ए भी बताएंगे इसी वीडियो में। और आप लोग अगर नहीं देखे होंगे पीछे वाला वीडियो, तो सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिख रहा है कि एच लिमिटेड तथा एस लिमिटेड के निम्नलिखित चिट्ठे के एकीकृत चिट्ठा बनाइए। अब देखिए, इसमें यहाँ पर आप लोग को सामने स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर विवरण दे दिया हुआ है, ठीक है, समता एवं देयता, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दे दिया हुआ है, नीचे में फिर एसेट दे दिया हुआ है, और यह सब के अमाउंट भी लिख दिया हुआ है, तो इसी में से लिखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और नीचे में लिखाएगा शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर लिखेंगे ए में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ब्रैकेट में लिख लेंगे 10 शेयर फुल्ली पेड, मतलब 10 वो जो शेयर है उसका पूरा फुल पेड कर रहा है, ठीक है, कितना पैसा है, 5 लाख, ठीक है। चलिए अब अगला एंट्री बी में अब लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। इसका अमाउंट हो जाएगा 1 लाख, उसके बाद फिर यहां पर लिखेंगे टू करेंट लाइबिलिटीज, और यहाँ पर लिखेंगे एच लिमिटेड, इसका अमाउंट लिख लेंगे अंदर में ही, यहाँ पर ही लिखेंगे इसका अमाउंट 1,50,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर लिखेंगे एस लिमिटेड, इसका भी अमाउंट है 60,000, और इसको जोड़ के बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2,10,000, ठीक है, और इसको इस सभी के इधर वाला को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 लाख, 6 लाख, 6×2 8 लाख है 10,000, तो यहाँ पर लिख लेंगे 8,10,000, ये हो गया टोटल। नीचे में डबल अंडरलाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। चलिए उसके बाद ये तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का हो गया पूरा, ठीक है, 8,10,000 आया है। फिर उसी तरह एसेट्स के भी निकालेंगे यहाँ से, एसेट्स के सेकेंड का है, एसेट्स, और इसमें भी वन में लिखेंगे नॉन करेंट एसेट्स,
नॉन करेंट असिस्ट के अंदर में जितना भी जो चीज़ भी आएगा उसको लिख देंगे नीचे में बारी बारी से। तो सबसे पहले तो आ जाएगा फिक्सेड असिस्ट, इसका अमाउंट हो जाएगा फिक्सेस एसेट में दो आ जाएगा, फिक्सेस एसेट में एच लिमिटेड एस लिमिटेड, तो यहाँ पर निकलेंगे नीचे में एच एल टी डी और एस एल टी डी ई एल टी डी, और इसका अमाउंट लिख लेंगे अंदर में ही 3,50,000, और इसका 1,20,000, दोनों के जोड़ के बाहर निकाल लेंगे तो 4,70,000। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। आगे दूसरे का यहाँ पर लिखेंगे करेंट एसेस्ट, चलिए इसका अमाउंट हो जाएगा, भले नीचे में इसका लिख लेंगे इसमें कौन कौन आ गए थे, तो यहाँ पर एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, इसका अमाउंट 2,50,000, ठीक है, और इसका 90,000। तो देखिए ये दोनों के फिर जोड़ के बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3,40,000। ठीक है, और इस सभी के इधर वाला को जोड़ देंगे इसका इसको और इसको, तो 4 3 7, 7 70 40, तो ये कितना एक हो जाएगा उधर, तो 8,10,000 इधर भी आ गया 8,10,000। ठीक है, इधर भी नीचे भी डबल लाइन लाइन कर देंगे, तो देखिए इधर भी 8,00,000 आ गया, ऊपर भी 8,00,000 है। ठीक है, यहाँ पर टोटल लिख लेंगे पहले, तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग एक बार और ठीक से अच्छा से देख लीजिए यहाँ पर, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, 1 2 3, चलिए इसका ले लिए, और यहाँ पर इसका भी ले लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन का ही 1 2 3। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के था ये पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन 1 के बनाए हैं उसी तरह से 2 के ए बनेगा। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 80% अंशों को 80,000 में क्रय किया, दोनों कंपनियों के निम्न विवरण से 31 मार्च 2020 को मिश्रित चिट्ठा तैयार कीजिए, और एक तरफ लाइबिलिटी दिया हुआ है, एक तरफ एसेस्ट दिया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, और फिर यहाँ पर एच एल टी डी और एस एल टी डी दिया हुआ है दोनों साइड। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए जैसे पहला बना है 1 के, सेम उसी तरह से बनेगा, तो इसमें भी लिख लेंगे पहला इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर नीचे में 1 लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड लिखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड, फिर यहां पर लिखेंगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे शेयर शेयर्स ऑफ 10 each। ठीक है, तो इसका अमाउंट लिख लेंगे यहाँ पर 4,00,000। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखेंगे मिनोरिटी
मिनोरिटी इंटरेस्ट, इसका अमाउंट 20,000, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर फिर दूसरे का लिखेंगे, लॉन्ग टर्म ब्राउजिंग्स। उसके बाद नीचे में लिखेंगे, इसका अमाउंट पहले लिख लेते हैं, तो इसका 80,000 हो जाएगा। चलिए उसके बाद तीसरा का करेंट एसेट, इसका अमाउंट हो जाएगा, इसका अमाउंट नहीं, उसके बाद नीचे में लिख लेंगे एच एल टी डी और एस एल टी डी। इसका अमाउंट हो जाएगा एच एल टी डी के 1,20,000, ठीक है, और इसका 40,000। देखिए जैसे बनाए थे वन के, सेम उसी तरह से बन रहा है। चलिए इस दोनों के जोड़ के अमाउंट को बाहर निकाल देंगे, तो बाहर निकालेंगे तो 1,60,000, ठीक है, और सब के जोड़ देंगे तो 660,000 आएगा, ठीक है। नीचे में डबल अंडरलाइन इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे टोटल, ठीक है। उसी तरह अब एसेस्ट के खोलते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे एसेस्ट, यहाँ पर लिखेंगे नॉन करेंट एसेस्ट, नीचे में लिखेंगे फिर फिक्सेड एसेस्ट, नीचे में फिर लिखेंगे एच एल टी डी और एस एल टी डी। तो एच एल टी डी का अमाउंट हो जाएगा 3,80,000 और इसका 80,000, दोनों के फिर ऐड करके बाहर लिख लेंगे तो 4,60,000, 4,60,000, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते, आगे में फिर लिखेंगे यहाँ पर सेकंड करेंट एसेस्ट, यहाँ पर लिखेंगे एच एल टी डी और एस एल टी डी, यहाँ पर इसका लिखेंगे अमाउंट एच एल टी डी का 1,40,000 और एस एल टी डी का 60,000, ठीक है। दोनों के जोड़ के बाहर निकाल देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2,00,000, ठीक है, और ये सबको इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 2 6 60, तो 6,60,000, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे टोटल और नीचे में डबल अंडरलाइन, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन 2 के ए भी कंप्लीट हो गया है, लोग देख लीजिए अच्छा से, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए 1 2 3, इसका भी ले लीजिए 1 2 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अभी इस वीडियो में 1 के ए और 2 के बी पूरा दोनों कंप्लीट हो गया है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काहे कि इस तरह के वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।